आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आज यानी गुरुवार को दिल्ली में ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम डॉक्टर इमाम उमर अहमद इलियासी से मुलाकात की, जिस पर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने तेज तर्रार अंदाज में प्रतिक्रिया दी है। डॉक्टर इमाम उमर अहमद इलियासी के मिलने से पहले भागवत से पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी और दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग सहित कई मुस्लिम बुद्धिजीवियों के एक समूह ने मुलाकात की थी। चीफ इमाम इलियासी से मिलने के लिए संघ प्रमुख भागवत दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग मस्जिद स्थित उनके कार्यालय पहुंचे। आरएसएस ने हाल ही में मुसलमानों से संपर्क बढ़ाया है और भागवत ने समुदाय के नेताओं के साथ कई बैठकें की है। इस मुलाकात को लेकर सांसद असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है, आइए जानते हैं ओवैसी ने क्या कहा। बात सुनिए ना, अगर हम तो नहीं थे उसमें, पर हम पर एक शक किया जाता है। फिर अब ये लोग जाकर मिले, इनसे पूछिए क्या बात करके रहा है आप। आरएसएस की आइडियोलॉजी सारी दुनिया जानती है और आप जाकर आरएसएस से मिलते हैं तो ये जो मुस्लिम कम्युनिटी में ये लोग जो सो कॉल्ड इलीट तबका है जो वो करेंगे तो बिल्कुल सच है वो। और हम अपनी लड़ाई पॉलिटिकल राइट के लिए, फंडामेंटल राइट के लिए लड़ते हैं तो नहीं, हम बुरे हो जाते हैं। तो ये जो इलीट तबका है जो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझता है, जिनको रियलिटी से ताल्लुक ही नहीं है कोई, जमीन पर क्या हो रहा है उनको नहीं मालूम, जो आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, और आप जाकर मिलते हैं आरएसएस के चीफ से। ठीक है, आपका आपका डेमोक्रेटिक राइट है, मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, और आपको तो कोई राइट नहीं है क्वेश्चन करने का। आपको इमाम इलियासी और भागवत के बीच बंद कमरे में मुलाकात हुई जो एक घंटे से ज्यादा चली। भागवत के साथ संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी कृष्ण गोपाल, रामलाल और इंद्रेश कुमार थे। आम्बेकर ने कहा कि मुस्लिम नेताओं से संवाद की प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुभाषी न्यूज। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मधुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।